हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि तनाज़ात की मलका मॉडल कंदील बलोच को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। भाई घर में गला दबाकर को कत्ल करने की कोशिश की भाई की जानिब से और फिर फरार हो गया। आईजी पंजाब ने मॉडल के कत्ल का नोटिस लेते हुए इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नित नए बयानात और फेसबुक पर अपनी मुतनाज़े वीडियो से शोहरत हासिल करने वाली मॉडल कंदील बलोच गैरत के नाम पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक कंदील बलोच ईद उल फित्र से दो रोज कबल मुल्तान के इलाके शेरशाह रोड पर वाके घर में वालिदैन के साथ मिलने आई थी। मकतूला के भाई की मुल्तान में मोबाइल फोन की दुकान है। मुल्जिम ने रात शेरशाह रोड पर वालिदैन के साथ ही गुजारी और रात के पिछले पहर कंदील बलोच का गला दबाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कंदील बलोच का भाई उनकी तस्वीर और वीडियो की वजह से नाराज था। आरपीओ मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि कंदील बलोच की मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ तस्वीर सामने आने के बाद डेरा गाजी खान में मुल्जिम वसीम को लोग ताने देते थे। सीपीओ मुल्तान अजहर अकरम के मुताबिक कंदील की मौत दम घुटने से हुई और उन्हें गला दबाकर हलाक किया गया। लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद या फायरिंग के निशानात नहीं हैं। मजीद तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। दूसरी जानिब कंदील की वालदा के मुताबिक सुबह काफी देर तक कंदील के न जागने पर देखा तो वो जाँ बहक हो चुकी थी। इलाका मकीनों के मुताबिक वो कंदील के वालिदैन को नहीं जानते और न ही ये जानते थे कि ये लोग कब से यहाँ रिहायश पजीर हैं। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने मामले का नोटिस लेते हुए डीपीओ और आरपीओ मुल्तान से वाकई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है।